जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, अगर हमारे शरीर में ये हार्मोन्स का कमी हो जाएगा तब क्या होगा, और हमारे शरीर में इसका लेवल कितना होना चाहिए। एक चीज़ समझिए, देखिए अगर हमारे शरीर में ये हार्मोन्स नहीं रहेगा ना तो पुरुष से कोनो काम का नहीं रहेगा। एक का काम रहेगा, जाएगा राशन की दुकान पे, एकदम झोला टांग लेगा, ए भैया हमारी राशन चाहिए। तो देखिए अगर जिस पुरुष के अंदर ये हार्मोन्स का कमी हो जाएगा ना, वो पुरुष का लाने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन आजकल का लड़का सबको देखिएगा ना, जैसे 10 साल का होता है ससुरा तो अरे बाप बाप हमारे अंदर तो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स होता है। लेकिन देखिए हर एक चीज़ का कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल कैसे होता है, तो सब कंट्रोल हमारे ब्रेन के हिसाब से होता है। अगर हमारा ब्रेन जिस दिशा में जाएगा ना, आदमी उधर चला जाता है। अब देखिएगा कोनो पियक्कड़ रहेगा, एक दिन पिएगा ना तो मन करेगा हमू पिए, लेकिन अगर कहा कि हम नहीं पियेंगे तो नहीं भैया पीता है, लेकिन अगर उसका मन करता है पीने के लिए तो सब कौन करवा रहा है, तो हमारा ब्रेन करवा रहा है, वो तुरंत पीने लगता है। देखिए अगर जिस पुरुष के अंदर ये हार्मोन्स नहीं रहेगा, वो पुरुष का लाने के लायक नहीं रहता, लेकिन क्या किया जाता है, इसका कंट्रोल किया जाता है। आप नाम सुने होंगे हनुमान जी का, क्या हनुमान जी के अंदर ये नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, अपने आप को कंट्रोल किया था। उनके नाम पे बहुत ज़्यादा गाना बना है, अरे हम ते जन तन वानी रवे वानी भाग्य विधाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कहली सीता माता, हम ते जन तन वानी रवे वानी भाग्य विधाता। तो उनका नाम सब लोग जानते हैं। कभी हनुमान जी शादी किए थे, नहीं किए थे, क्या उनके अंदर हार्मोन्स नहीं था, उनके भी अंदर था। स्वामी विवेकानंद के अंदर भी हार्मोन्स था। बहुत ऐसे महापुरुष थे जिनके अंदर हार्मोन्स था, लेकिन वो सब क्या किए थे, अपने आप को कंट्रोल किए थे। आखिर ये ससुर हार्मोन्स है क्या, इसके विषय में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। चलिए जहाँ सुन, देखिए इसका मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए ये पुरुष में पाया जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो इस टेस्टिस में पाया जाता है। समझिए है क्या बोलूँ, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। देखिए हयो का है तो टेस्टिस है। पुरुष के अंदर कितना टेस्टिस होता है, तो 2 ठौरा। कितना होता है बाबू, तो 2 ठौरा। है क्या है, तो पेनिस है। देखिए टेस्टिस में क्या बनता है, तो बनता है स्पर्म। लेकिन कौन बनाता है, तो यही जो हार्मोन्स होता है क्या करता है, टेस्टिस के अंदर इसका क्या करता है, स्पर्म का उत्पादन करता है। तो स्पर्म कहाँ बनता है, तो ये टेस्टिस में बनता है। अब देखिए जैसे स्पर्म बनेगा ना, तो नौसी के राय बेस्ट डिफरेंट नस के माध्यम से कहाँ पेनिक्स में आता है, और पेनिक्स के माध्यम से ये बाहर चला जाता है। आप किसी भी तरह से इसको बाहर कर सकते हैं। तो क्या होता है भैया, ये पुरुष में पाया जाता है, और ये कहाँ बनता है, तो टेस्टिस में बनता है। तो यही जो हार्मोन्स होता है, यही क्या करता है, स्पर्म को बनाता है। अब एक चीज़ बताइए, जिस पुरुष के अंदर स्पर्म नहीं बनेगा, वो कौन है काम का, किसी भी काम को नहीं रहता है, समझ में। लेकिन देखिए ये पुरुष और महिला दोनों में होता है, ऐसा नहीं कि खाली पुरुष में होता है, ये महिला के अंदर भी होता है। लेकिन महिला के अंदर ये थोड़ा कम बनता है, पुरुष के अंदर बहुत ही ज़्यादा भर भर के बनता है, और ये हमेशा बनता रहता है। तो कहाँ बनता है बाबू, तो ये टेस्टिस में बनता है, और कौन बनाता है, तो ये हार्मोन्स बनाता है। इतना क्वेश्चन में गया। अब देखिए पुरुष सेक्स ड्राइव को बढ़ाने का क्या होता है, ये उत्तरदायित्व होता है, यानी जो हार्मोन्स होता है यही क्या करता है, तो पुरुष के सेक्स की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। कहाँ बढ़ाता है, क्योंकि भैया यह स्पर्म को बनाने का काम करता है, यानी क्या करता है, जो पुरुष होता है इसी के माध्यम से अपने सेक्स को बढ़ा सकता है, समझ में गया। अब देखिए इसका संबंध पुरुष के सेक्स डेवलपमेंट से होता है। अगर देखिए ये अगर नहीं बनेगा तो पुरुष भैया क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। यह क्या करता है, स्पर्म को बढ़ाने का काम करता है। अब समझ, देखिए इसे सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। देखिए यही जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, तो यह स्पर्म को बनाने का काम करता है। इतना आपको समझ आएगा। अब देखिए ये मांसपेशियों कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, सही रखता है। अगर आपके अंदर ये नहीं बनेगा ना, तो आपके अंदर जो मांसपेशियाँ होती हैं, ये सब मांसपेशियाँ हैं, और कोलेस्ट्रॉल है, ये सही नहीं रहेगा। लेकिन जब बनेगा तो मांसपेशी कोलेस्ट्रॉल सही रहता है। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, देखिए हमारे शरीर में हर जगह पर कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल का कमी हो जाता ना, तो कोनो कोनो आदमी को बीमारी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोनो लड़का है, वो बेचारे एकदम गाना गाते हुए जा रहा है, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, तब तक बक बक लोलवा, हम तुम्हारे नहीं कहेंगे,
अरे हमार पपई हो पपई ले ले हले जान, तो क्या हो जाता है कभी कभी जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना अचानक से बढ़ जाता है। अब जैसे बढ़ा ले भैया, अब तुरंत तो क्या हो जाएगा उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। अगर उसको ज़्यादा टेंशन हो गया तब वो हार्ट अटैक हो जाता है। तो कई कारण होते हैं हार्ट अटैक के, तो अगर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। अब पित्त के थैली में देखिएगा, कभी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा तो पित्त के थैली में पत्थरी हो जाता है। तो ये क्या करता है भैया, ये मांसपेशी और कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, ये सही रखता है। अब देखिए ये पुरुष में सेक्स चेहरे पर बाल दाढ़ी यौन क्षमता को क्या करता है, प्रभावित करता है। देखिए जिस पुरुष के अंदर ना ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, भाई दाढ़ी रहेगा ना बड़ी गजीन हो जाएगा। तो दाढ़ी बाल यह क्या करते हैं चेहरे पर प्रभावित करता है। इस पुरुष के अंदर क्या भैया ये हार्मोन्स ज़्यादा है। इतना क्वेश्चन जाएगा। अब हम ही समझते हैं कि कमी के वजह से, देखिए कमी क्या होता है, देखिए मोटापा धूम्रपान उम्र का बढ़ना, देखिए हर एक चीज़ का अगर कमी रहेगा तब कोनो कोनो दिक्कत होगा। अगर देखिए जौन बहुत आदमी एकदम मोट रहेगा ना, पेट उट भरे रखेगा तो उसका हार्मोन्स क्या बनेगा, कम बनेगा भैया। जो धूम्रपान जो दिन भर एकदम शराब पी के मस्त रहता है, मैं शराबी हूँ, तो शराबी हो ये सब तुम्हारे अंदर भैया दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए मोटापा धूम्रपान उम्र का बढ़ना, एक चीज़ समझिए उम्र का बढ़ना तो ठीक है, अब मान लीजिए आदमी कितना दिन जिएगा, पहले के जमाना थोड़ी ना कि 1000 साल जिएगा, 50 साल में भैया उसको मरना है, उम्र बढ़ता है, उम्र बढ़ने के हिसाब से क्या होता है ये कम बन सकता है और कम भी बनता है। लेकिन अब मोटा जिएगा रहेगा 20 साल का आता है कि भैंसा बन जाएगा तब वो कम हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करिएगा तब वो हो जाएगा। लेकिन आज के लोगों में बड़ा ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत क्या है, देखिएगा अगर 10 लोगों का शादी होगा ना तो 6 लोगों के पास बच्चे नहीं होते, कहे नहीं होते हैं क्योंकि 6 मिला सब पियक्कड़ है। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं शराब का सेवन करते हैं और इसी के कारण क्या होता है तो बच्चा भी जल्दी से नहीं पैदा होता। ये सब क्या होते हैं इसके हार्मोन्स को कम करते हैं। अब देखिए कम होगा तो होगा क्या, हड्डी में समस्या हो जाएगा, आपके हड्डी में समस्या हो जाएगा, नींद भी आपको सही से नहीं आएगा, शरीर में बाल कम हो जाएंगे। और ये कमी हो जाएगा ना तो आपके शरीर में क्या होते हैं बाल कम हो जाते हैं। कितना लोग को देखेगा दरिए नहीं जामेगा, कहेगा इध का बकरा ऐसा दरिए नहीं जामल है, तो कहे नहीं जानता है उस पुरुष के अंदर ये हार्मोन्स का कमी हो जाता है। चिड़चिड़ापन आ जाएगा, देखिए बेचैनी हो जाएगा और नपुंसकता भी हो सकता है। देखिए ये जिसके अंदर हार्मोन्स नहीं होगा कम बनेगा वो बेचारा नपुंसक भी हो सकता है। तो ये सब क्या होते हैं ये सब कमी होते हैं। अगर ये हार्मोन्स का कम होगा तो ये सब हमारे शरीर में क्या होते हैं कमी हो जाते हैं, समझ में आया। लेकिन देखिए ये महिला में भी पाया जाता है, देखिए अगर महिला में तो भैया ज़्यादा होता नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, देखिए महिला के चेहरे पर भैया बाल आ जाते हैं। कितना महिला को देखिएगा ना भाई, देखिए देखा तो जैसे लगेगा कि दाढ़ी मूछ निकल गई है, उसके ऊपर क्या होता है बड़े बड़े बाल आ जाता है, रोआ टाइप का आ जाता है। तो उस महिला के अंदर क्या हो गया भैया ये हार्मोन्स जो ना ज़्यादा हो गया, और जैसे महिला के अंदर हार्मोन्स ज़्यादा होता ना अंग पे क्या होते हैं उसके बाल आना शुरू हो जाते हैं, और खास करके चेहरा पे देखिएगा तो उसके क्या होता है ऊँट पे बाल आने लगते हैं। तो उस महिला के अंदर क्या होता है ये हार्मोन्स ज़्यादा हो जाता है। इतना आपको समझ में आएगा। लेकिन देखिए अगर हार्मोन्स कम हो जाएगा ना तो एक ठो रोग होगा, उस रोग का नाम क्या देखिए हाइपोगोनाडिज्म, यानी जिसके अंदर अगर इस कमी हो जाएगा तो एक ठो रोग हो जाता है, उस रोग का नाम होता है हाइपोगोनाडिज्म रोग कहते हैं। यानी जिसके अंदर ये हार्मोन्स का कमी होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं हाइपोगोनाडिज्म रोग कहा जाता है। अब समझ देखिए हमारे शरीर में इसका लेवल कितना होना चाहिए, देखिए पुरुष के अंदर इसका लेवल होना चाहिए 300 से लेके 1000 नैनोग्राम डेसीलीटर। देखिए ये बड़ा छोटा इकाई होता है, यानी 300 से लेके 1000 नैनोग्राम डेसीलीटर क्या होना चाहिए इस हार्मोन्स का उत्पादन पुरुष के अंदर होना चाहिए। देखिए अगर 300 ना अगर ये हो जाएगा 250 200, अब ले भैया आपके अंदर ये हार्मोन्स का कमी हो जाएगा, और जब हार्मोन्स का कमी हो जाएगा तो स्पर्म भी कम बनेगा, और जब स्पर्म कम बनेगा तो कहेगा दैत तेरी के एकदम ना तो चार दीजिएगा। तो क्या होता है ये इतना होना चाहिए 300 से लेकर 1000 नैनोग्राम डेसीलीटर ये इसका लेवल होना चाहिए। किसका होना चाहिए तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का, समझ में क्या। लेकिन देखिए बढ़ाने का घरेलू उपाय होता है, अब बढ़िया से मीठ मांस खाइए, अंडा खाइए, एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, तभी क्या होता है धीरे धीरे ये ठीक भी हो जाता है, समझ में क्या। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या होता है, कमी से क्या होता है, और महिला के अंदर ज़्यादा होगा तब क्या होगा, और इसका कार्य क्या होता है, समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।